हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लूम गार्डन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बहुत ही खुशबूदार हर्ब्स, जिसे हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं और ये बहुत ही अच्छा माउथ फ्रेशनर भी है, ये है सौंफ का पौधा। और इसको मैंने जब 2-2.5 महीना पहले सीड से ग्रो किया था, तो मैंने आप लोग को बोला था कि मैं इसका अपडेट दिखाऊंगी आप लोगों को। तो देखिए कितनी ज़्यादा इसमें ग्रोथ हो गई है और इसमें फ्लावरिंग अब होगी और सौंफ बनेगा। तो इस तरीके से कितना इजी है घर में सौंफ लगाना, और बहुत ही खुशबूदार ये प्लांट होता है। और इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूँगी, जो वीडियो मैंने जब ग्रो किया था उसका, तो उसकी भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं घर में। तो देखिए इसकी जो लीव्स होती हैं ना, ये भी बहुत खुशबूदार हैं। तो इस तरीके से इनको हम तोड़ के सैलड में कच्चा यूज़ कर सकते हैं, कच्चा चबा सकते हैं। और अब तो इसकी अच्छी ग्रोथ हो गई है। पहले जब मैंने इसको उस साइड रखा था, जब सीड से लगाया था, तो इसकी ग्रोथ बहुत स्लो थी। अब ये इधर रखा धूप में, तो बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और देखिए ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट, कटिंग से मैंने जो लगाया था, इसमें भी जब से इधर धूप में रखा है, फिर से कलियाँ इतनी ज़्यादा बनना शुरू हो गई हैं अब, और अब तो फ्लावरिंग भी हो रही है। और देखिए हर ब्रांच में इसके कलियाँ हैं, 20-25 कलियाँ इतने छोटे से प्लांट में है। देखिए कितनी कलियाँ हैं, पूरा प्लांट कलियों से भरा हुआ है, और अब तो फ्लावरिंग भी अच्छी होने लगी है इसमें। तो फ्रेंड्स, चलिए सौंफ के पौधे के बारे में मैं बता रही हूँ कि आप इसको, जब मैंने इसकी सॉइल बनाया था, तो उसी में मैंने 1 पार्ट खाद मिलाया था और 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट सॉइल, तो ये सीड लगा दिया था। उसके बाद से मैंने इसमें कोई खाद तो नहीं डाला है, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं हर 15-15 दिन में, जो काउ मैन्योर का होता है, वो डालती हूँ। और इधर जब से इस साइड धूप में रखा है, इधर मेरे जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और सब्जियों वाले हैं, तो इधर कर दिया है, तो इसको अच्छी 3-4 घंटे तक की धूप खूब अच्छी लग जा रही है। तो इसकी ग्रोथ भी अब अच्छी हो गई है। और आप लोग मेरी वो वाली वीडियो देखेंगे ना, जिसमें मैंने इसको ग्रो किया है सीड से, तो पता चल जाएगा कि कितना इजी है। और उसमें तो मैंने जब डाला है, तो एक चुटकी डाला था, तो करीब 25-30 सीड रही होगी। लेकिन आप अगर 5-6 सीड भी डालते हैं इतने बड़े पॉट में, अगर 5-6 प्लांट हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसमें जब मैंने डाला था ना, तो 25-30 प्लांट आ गए थे। तो बीच में मैंने 4-6 प्लांट इसमें से निकाले हैं, पर अभी भी इसमें 10-12 प्लांट से ज़्यादा हैं। और मुझे तो इसकी लीव्स यूज़ करना था, तो इसलिए मैंने इसको 10-12 प्लांट इसमें रखे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें 4-5 प्लांट्स लगा सकते हैं इतने बड़े पॉट में। तो फ्रेंड्स, अभी तो इसमें फ्लावरिंग होगी, ये फ्लावरिंग के बाद इसमें सौंफ बनेगा, और जब सौंफ की मैं हार्वेस्टिंग करूँगी, तो उस वीडियो को आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।